प्यासे लोग खतरे में जान डालकर पानी लेने के लिए मजबूर। बुंदेलखंड के जनपद महोबा अंतर्गत पत्थर नगरी कवरई के राजेंद्र नगर का एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग बेबसी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने को मजबूर हैं। गर्मियों के मौसम में यह नजारा अधिकतर देखने को मिलता है, जब नगर पंचायत का टैंकर कवरई कस्बे के मोहल्ले में आता है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर टैंकर के ऊपर चढ़ जाते हैं और अपनी अपनी छटकों से पीने के लिए पानी निकालते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिस पत्थर में मंडी कवराई का मिट्टी पत्थर भारत के कोने कोने में जाकर सड़कों का निर्माण आदि में कहलाया जाता है, उसी बेनसीब नगर पंचायत कवराई के निवासियों को पानी की समस्या क्यों झेलनी पड़ती है? आखिर कब तक शासन और प्रशासन इन मजबूर ग्रामवासियों को और ध्यान देगा? एक बार हम आपको फिर बता दें, यह ताजा वीडियो हम कवराई कस्बे के राजेंद्र नगर का दिखा रहे हैं। इसमें लोग किस तरह बेबस होकर पानी के लिए सोशल डिस्टेंस को भूलकर पानी भरने को मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट। नाम है आपका? जी विजय कुमार गुप्ता, राजेंद्र नगर कवरई के रहने वाले हैं। जी क्या समस्या है आपकी? हम लोगों की ये है कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार जो है हम लोग परेशान हैं पानी के लिए। जी अभी 3-4 दिन पहले हम लोग चेयरमैन साहब के साथ में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा, जे हिसाब से बात हुई, वहाँ विभाग के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा अब हम पर डे आपको पानी देंगे। जी कल पानी आया, इसके बाद आज फिर लापरवाही इन्होंने कर दी। अब कह रहे हैं कोई रात को टंकी खोल गया। जी अब बताइए, बगैर जो है विभाग की जानकारी के कोई टंकी कैसे खोल सकता? बिल्कुल सरासर जो है ये जल संस्थान के कर्मचारियों की अधिकारियों की लापरवाही है, जिसके खिलाफ हम लोग थाने में FIR करने जा रहे हैं। जी आपकी क्या मांग है, शासन से क्या मांग? हमारी शासन से मांग है कि लॉकडाउन का हम लोग उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, तो लॉकडाउन भी जो है चलता रहे, सरकार के आदेशानुसार हम लोग पानी मिले जैसे अभी तक मिलता रहा है। 15-20 दिन पहले तक हम लोगों के घरों में खूब पानी आता था पर डे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से ही ये समस्या आ गई है। हम लोग चाहते हैं कि पूर्वत जैसे यह चलता रहा है वैसे ही चलता रहे और पानी हम लोगों को मिले घर में। क्या समस्या है पानी को लेकर यहाँ पर? अरे भैया यहाँ तो पानी में लाठी डंडा चला थी, हमारे बूढ़े आदमी, हमसे एक बाल्टी पानी नहीं आ रहा हुआ, हम कहाँ से पाइए पानी? तो किस प्रकार से पानी आता है यहाँ पर? यहाँ 4 दिन में 1 दिन टैंकर आता। टैंकर कौन भेजता? नगर पालिका की तरफ से। हाँ नगर पालिका की तरफ से। तो क्या मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, दूर दूर रहने के लिए सरकार बोल रही है, तो क्या यहाँ पर लोग पालन करते हैं इसका? कुछ नहीं करे सरकार, जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो पालन क्या करिए? क्या पालन करिए सरकार, जब कोई खाना पीना कोई खींच के पानी, तब खाना पीना तो बिहार पानी नहीं मिल रहा तो और आफत है। हमारा नाम शाहरुख है। भैया जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर पानी भर रहे थे अभी, तो ये भीड़ मच रही है, तो क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का पाठ नहीं पढ़ाया गया? अरे पढ़ाया तो गया है, मगर पानी की जो समस्या है तो कैसे दूर होती है? अगर हम घर से टैंकर आता पानी ना भरे हम, तो हम क्या कर लेंगे बताओ? पीने के लिए हो जाएंगे और फिर एक टैंकर आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 ड्रम पानी आता है। 12 कितने दिनों में टैंकर आता है? 4 दिन में टैंकर आना है, 4 दिन में एक एक ड्रम सबको मिलता है, कैसे पानी का वो हुआ करता है? और सब आपको कोरोना जैसी बीमारी से डर नहीं लगता? डर तो लगता है, तो क्या करें? पालन करेंगे तो पानी से मर जाएंगे, पालन ना करेंगे तो क्या करेंगे बताओ? पानी तो भरना ही पड़ेगा। तो आपको पर्याप्त पानी मिल जाता है? कहाँ पर्याप्त पानी, आधा ड्रम मिलता है। ये समस्या कब से चली आ रही है? ये समस्या तो चली आ रही कम से कम बहुत सालों से, पानी की दिक्कत तो हमेशा रही है। यहाँ पर कह रहे थे टंकी भरनी है, कल साहब आवा के ऊपर तो टंकी भी नहीं बन रही।